कुछ तो है YouTube चैनल में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम बात करते हैं भारत के कर्नाटका स्टेट से ताल्लुक रखने वाले शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में बन रहे एयरपोर्ट की। 4 अप्रैल 2006 AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक टीम निकलकर सामने आती है। इस AAI टीम का काम था एक ऐसी जगह का तलाश करना जो जगह एयरपोर्ट के लिए सूटेबल हो। इंस्पेक्शन का काम शुरू होता है जिसमें से दो प्लेस निकलकर सामने आते हैं। पहला प्लेस था शिवमोगा आइनूर के पास नागरबावी और दूसरा प्लेस था शिवमोगा सोगने जो शिवमोगा से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। फाइनली एक डिसीजन हो जाता है कि इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन के लिए शिवमोगा सोगने वाली प्लेस एयरपोर्ट के लिए मोस्ट सूटेबल प्लेस है। बात तो जाहिर है किसी भी फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए ज़्यादा हवा वाली जगह को चुना जाता है। वैसे भी इस प्लेस का विंड डायरेक्शन और वेलोसिटी कंडीशन बहुत अच्छी तरह का है, इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस प्लेस को एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन के लिए सेलेक्ट कर लिया था। जब गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आती है कि शिवमोगा के अंदर एयरपोर्ट बनाने का प्लान है, एयरपोर्ट बनाने का मंसूबा है, तो उस वक्त कुल मिलाकर 19 कंपनीज ने एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन के लिए अपना इंटरेस्ट जाहिर किया था, जिनमें से 3 कंपनीज निकलकर सामने आई। एक थी मैटास, दूसरी थी NCC और तीसरी थी VIE। इन कंपनीज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ एक अग्रीमेंट पर साइन कर लिया था। इस पॉलिसी के तहत एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2 अलग अलग फेज दिए गए थे। इस पॉलिसी के तहत एयरपोर्ट को पार्टनरशिप में 2 अलग अलग फेसेस में कंस्ट्रक्ट करना था। 20 जून 2008 में फार्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका मिस्टर BS येडियुरप्पा ने एक रस्म के अनुसार कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन स्टोन भी रख दिया था। लेकिन आगे होता यह है कि मैटास, VIE और NCC कंपनीज के दरमियान लड़ाई यानी कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन होल्ड हो जाता है। ऑन 15 जून 2020 में चीफ मिनिस्टर मिस्टर BS येडियुरप्पा ने इस लॉन्ग पेंडिंग वाले एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को फिर से रिलॉन्च किया और दोबारा एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू होने लगा। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उड़ान स्कीम के तहत इस एयरपोर्ट के कंस्ट्रक्शन को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। गूगल रिपोर्ट ये कहती है कि इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 220 करोड़ से 384 करोड़ तक का एक्सपेंस हो सकता है। इस एयरपोर्ट का टोटली लैंड एरिया 662 एकड़ बताया जाता है। इस एयरपोर्ट का रनवे जो है 3200 मीटर्स है यानी कि 2.3 किलोमीटर लॉन्ग होगा। ये रनवे बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद कर्नाटक का दूसरा बड़ा रनवे हो जाएगा। इट विल बी सेकेंड लार्जेस्ट रनवे ऑफ कर्नाटका। दोस्तों, इस एयरपोर्ट की शेप वाली अगर बात की जाए तो इस एयरपोर्ट का शेप लोटस शेप वाला निकलकर सामने आ रहा है और इस एयरपोर्ट को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है। मीडिया से हमें ये पता चला है कि शिवमोगा के MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर BS राघवेंद्रा ने ये ऐलान किया है कि इस एयरपोर्ट का उद्घाटन इनॉग्रेशन 2023 को हमारे भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि अगर इस एयरपोर्ट का ट्रैफिक कंडीशन अच्छा रहा तो ये फ्यूचर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है, क्योंकि शिवमोगा ज़िले वालों का बिजनेस कनेक्शन पहले ही से इंटरनेशनल लेवल पर पॉपुलर है। दोस्तों, इस अनोखे वीडियोज़ के साथ हम आपसे रुख्सत लेते हैं। दोबारा आपसे फिर मुलाकात एक अनोखे वीडियोज़ के साथ होगी।